जलंधर के रैनक बाजार में शॉपिंग करने जाने वालों ने वहां पर चौक में स्थित टिक्कियों वाली दुकान से टिक्की तो जरूर खाई होगी। खाई भी क्यों ना होगी, आखिर वो टिक्की इतनी स्वादिष्ट है कि लोगों ने उस चौक का नाम ही टिक्कियों वाला चौक रख दिया। लेकिन अब आपको उस चौक में वो स्वादिष्ट टिक्की खाने को नहीं मिलेगी, कारण कि देर रात नगर निगम जलंधर ने कार्रवाई करते हुए जलंधर के रैनक बाजार में टिक्कियां वाला चौक के नाम से मशहूर उस चौक पर अपनी डिच मशीन चलाकर चौक को ही ध्वस्त कर दिया। जिसका दुकानदारों को सुबह पता चला तो दुकानदारों ने इसका विरोध किया, लेकिन नगर निगम ने दुकानदारों की एक ना सुनी, जिसके विरोध में दुकानदारों ने रैनक बाजार में प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही दुकानदारों ने चेतावनी भी दी कि अगर निगम ने दोबारा दुकानें ना बनाई तो वे इसका जोरदार प्रदर्शन करेंगे। जलंधर से हलचल डोडे के लिए प्रदीप शर्मा नोनू की रिपोर्ट। हाँ सर, की नाम अपना? मेरा नाम दविंदर कुमार जी। कितने डाला था? मेरा टिक्की वाले चौंक है। की गल की दसूंगा बड़ी गल कुछ भी नहीं भाई, कल तो पर्ची कट गया साढ़ी 1400 रुपये महीने की पर्ची कटते 1500 रुपये महीना। यह 50 रुपये उदों का लगता जो मैं 50 रुपये दिता जी पर्ची। कोई इन्होंने नोटिस नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। अज तो 6 महीने पहले इन्होंने अर्निंग कराई, उस तो बाद कहते कोई गल नहीं। उस तो बाद साढ़िया पर्चियां इन्होंने कटिया महीने दी ने आज ऑनलाइन पर्ची ऐलगी पाई ने नैट से कट के दिखाओ यार इन्होंने ऑनलाइन पर्ची इन्होंने की ऐलगी ऑनलाइन पर्ची कर दी थोड़ी। जाओ तुम बेफिक्र रहो, थोड़ा कुछ नहीं जाएगा, तू कोई नुकसान नहीं होगा थोड़ा, तुम आराम अपने हाथ रहे रहो। कॉर्पोरेशन का कहना कि 3 महीने पहले नोटिस प्लस 3 दिन पहले रिक्शा वगैरह अनाउंसमेंट था। 3 हज़ार की पर्ची मेरे को जी इस महीने कटी है। कोई अनाउंसमेंट वगैरह भी 3 महीने अनाउंसमेंट अज नहीं हुई, अज तो 6 महीने पहले गल करते हैं। उस तो बाद जे अं कहने चलो नोटिस किया, अं अपनी अपनी चौकस किया, अं अपना समान भी सामभे, अपने पैसे भी सामभे, अं कोई गल नहीं। जो कार्रवाई ठीक है, तुम्हें कार्रवाई करो, तुम अं कहीं नहीं कहते। लेकिन उस तो बाद भी इन्होंने साढ़े को कहते कोई कार्रवाई नहीं, थोड़ी महीने की 500 तो 1000 तो 1500 रुपये पर्ची हुई। जी जगह डिमोलिश की है, समान बिचे सब कुछ बिचे जी, लिफाफे समेत। फिर ऐतवार की बकरी पर्ची, ऐतवार की पर्ची वक्री कट के गया, एक महीने दो पर्चियां साढ़िया कट के गया, ऐतवार की 15 कहते वक्री लगनी। चलो ठीक है, थोड़े डिपेंड है, महीने की पर्ची आ वक्री है जी। सानू सही, सानू 4 बजे किसी ने फोन किया तोड़ देता दे है, अं आए हैं चौंक सारे पुलिस, सानू मौका नहीं दिता गया भी अं अपना समान सामभ लीए। समान का कोई मौका नहीं, गल की अफसर आए थे, कोई अफसर वाले सानू आप नहीं पता जी, सानू इदा जी सानू आ नहीं दिता गया जी अफसर को। पुलिस वाले सानू घेर लिया, सानू उ पुलिस वाले ने घेर लिया, कहते भी अगर जा नहीं देना, साड़ी ड्यूटी है। जी पर्ची की गल कर रहे, संडे मार्केट की पर्ची कटी है, अदरवाइज भी कटी है डेली, अज की नहीं। अज तो देखो वाल चिट्टे हो गए, मैं इतने इदे नहीं हुए, मेरे मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा जी, मेरे फादर इन ला, दूजे ताया जी इतने इतने जा इतने जहाँ चढ़ी, मेरे नाल दादा जी 4 पीढ़ी 4th पीढ़ी उत्थे काम करते रहिए, उनका दादा उनका प्यो इतने तक मतलब सारे हो गए हुए हैं इतों, मतलब काम करके। कौंसलर कौन जी? कौंसलर बिस्तरे सुते हुए हैं, फोन किया फोन बंद नहीं, बाद आए ने जो मीटिंग मैं वो भी उठा के लिया, दो जने बंदे इतों गए हैं शहरी चढ़ा आया वै, कोई गल नहीं अभी नाल मैं हूँ इतने चला बाद देखा। कितना नुकसान हो गया सारा? नुकसान मेरे नगद 25,000 रुपये मेरा नगद पिया जी, अज ऐतवार से मैं सवेरे गए भुगतान देना से, वो तो गया, बाकी लिफाफे साढ़े बारे जिंदगी कोई गिनती नहीं। सर्दियों का माल महंगा माल, 10 लिफाफे मेरे 10 मेरे गुआढ़ फिर 10 लिफाफे जिन्हें माल ही अंदर होंगे, आ कोई लिफाफा नहीं लगा साढ़े आ खाली बह सा। कौंसलर इस इलाके का अनूप पाठक बहुत जी, शहरी चढ़ा दोनों कौंसल वार्ड इको जहाँ नूह पाठक गल की थी। कोई गल नहीं हुई, उन्होंने बेटा आया ही, अभी थोड़े नाल है जी, अभी कौन यार के किसी नाल है, खड़े हो साढ़े नाल आओ बैठो, इतने बैठे अं धरने से साढ़ा माल लगे हो, सू दसो नहीं कम से कम पहले काम अं करना, तुम कम से कम माल अपना सेव करो। हाँ सर, दादू ने कार्रवाई की कि टिक्किया वाला चौंक जो रैनक बाजार आ काफ़ी लंबे समय तो इनक्रोचमेंट सी, जिदे करके रैनक बाजार बहुत जाम लगा रहा, आवाजाही बहुत तंगी सी, सारे दुकानदार और पब्लिक बहुत परेशान सी। एक महीने तो इतने अनाउंसमेंट भी की जा रही थी, वेंडरों को कल कल हमें दसिया चौंक खाली कर दौ, पर उन्होंने वालों खाली नहीं किया गया, उन्होंने कार्रवाई करके खाली करवाया। रिटर्न नोटिस दिए गए इनक्रोचमेंट का, कोई रिटर्न नोटिस नहीं होता, आप रिक्शे रोक के बगैर तो आप स्पीकर से अनाउंसमेंट करवाई थी। सर जिमें कि सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कारपोरेशन वालों ऐतवार दियाँ पर्चियां कट्टिया गई सन, बट ऐतवार चढ़न तो पहले ही दुकाना तोड़ी, समझौता फीस होंगी है जिसकी वैल्यू टाइमली होंगी, बस वो पर्ची का मतलब यह नहीं भी वो कोई आप किसी को ऑथोराइज कर दिता, वो सारे शहर से ही समझौता फीस ही कटते हैं, वो कोई वैल्यू नहीं होंगी भी अगर टाइम नहीं है कोई। सर पिछले भी देखा गया कोई कार्रवाई हुई थी टिक्कियां चौंक से हुई थी, उस फिर बन गया दोबारा ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ?
ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ। ਹਾਂ ਸਰ, ਟਿੱਕੇ ਨੇ ਚੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ? ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪੀਸਫੁੱਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ? ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮਲ ਜੀ। I can see the future, like this gold in my eyes. I can see the future.